औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तरफ से यहाँ पे बैठे हमारे सारे दोस्त भाई, जितने यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ पे। माशाल्लाह इतना खूबसूरत इन्होंने शाइन बीफ प्लाव जो है वो बनाया है। और जैसे भाई कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि तरोल में जब भी कोई अच्छा काम करने आए, अच्छा बिजनेस करने आए, तो यकीनन जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको भी खुशी होगी और मुझे भी खुशी होगी। तो ये तरनोल, ये इलाका, ये हमारे जो देहात है, यहाँ पे हमारे मोहतरम राजा जान साहब बैठे हैं, हाजी अजीज मुगल साहब बडाना से वाइस चेयरमैन है बैठे हैं, यहाँ पे रियाज प्राचा साहब डोक प्राचा से मेरे साथ आए हैं, करम खान साहब आए हैं, हमारे सारे यहाँ पे जितने भी कौंसलर आजाद नईम खान साहब आजाद साहब बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जितने लोग हैं, हमारा एक ही मकसद, एक ही मिशन है कि इस इलाके में तरक्की हो। ये जो हमारे देहात हैं, चाहे वो खरबूजा हो, पिंडपड़िया हो, डोरा हो, बडाना कला हो, नून हो, जंगी सहीदा हो, ये जो बेल्ट है इसके अंदर कोई भी अगर अच्छा काम करने, कोई बिजनेस करने बंदा आता है, तो जिस तरह मैं उनको खुशामदेद कहता हूँ, इसी तरह हाजी अजीज साहब उनको खुशामदेद कहते हैं, राजा साहब उनको खुशामदेद कहते हैं। तो बाकी यहाँ के जो सियासी हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, जो दो साल से हमारे भाई बुजुर्ग, मैं कहता हूँ महंगाई में पिस रहे हैं, तो ये जुल्म जो है इंशाल्लाह खत्म होगा। मुझे यकीन है कि यहाँ पे इंशाल्लाह अभी दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह हालात इस तरफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी और तरनोल में इंशाल्लाह अजीज बे इंतहा बहुत ज्यादा इंशाल्लाह डेवलपमेंट के काम होंगे। और हमारी एक दफा फिर मैं कहता हूँ कि जो बंदा यहाँ पे बिजनेस करने आता है, उसको किसी किस्म का कोई मसला है, चाहे वो किसी महकमे के साथ है या यहाँ पे लोकल किसी मामले में, किसी बिल्डिंग में कोई मसला है, तो हमारे दरवाजे, मैं हमेशा कहता हूँ 24 घंटे खुले हैं। हमारे पेट्रोल पंप पे 24 घंटे हमारा ऑफिस जो है वो खुला है। आप दोस्त भाई आए, इंशाल्लाह हम आपको वेलकम कहते हैं। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक दफा फिर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ पे जो हमारी टीम है, हमारे भाई जो नूरी, ये नूर नारी जो है मीडिया सेल वाले हैं उनको, और ये माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं यहाँ पे, बड़े ये तरनोल के मसाइल को उजागर करते रहते हैं। तो मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि आपने किसी जमात से, किसी जो है ना वो उसकी बात नहीं करनी, आपने इस इलाके की तरक्की की बात करनी है। कोई बंदा तरक्की के लिए अच्छा काम करे तो आप उसे वेलकम कह रहे हैं, और कोई बंदा यहाँ पे बुराई पैदा करे, यहाँ पे इलाके में बदमनी पैदा करे या यहाँ पे डेवलपमेंट के काम ना करवा सके, तो उसको आपने उजागर करना है कि ये बंदा यहाँ पे ये काम नहीं कर सका, और उसने इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे इंशाल्लाह तरक्की आएगी। और हमारी मैं कहता हूँ बेशुमार मसाइल हैं, जितने इस इलाके में मसाइल हैं, मैं नहीं समझता कि कहीं इर्द गिर्द इस्लामाबाद में कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ पे इतनी ज्यादा जो है ना मुश्किलात हो, यहाँ पे सेवरेज के मसले हैं, पानी के मसले हैं, यहाँ पे कोई बुरा हाल है डेवलपमेंट का, और यहाँ से हमारे जो MNA हजरात बनते तो हैं पर वापस मैं नहीं समझता कि वो तरनोल में आते हैं, या तरनोल या बडाना या पिंडपड़िया या सर खरबूजा का उनको पता भी है। तो अल्लाह करे इस इलाके में तरक्की आए, और अल्लाह करे कि हम सारे जो है ना हमारे लिए आसानी इस इलाके में पैदा हो। बहुत शुक्रिया जी, और बहुत बहुत मुबारक हो शहीद।